Hello friends, welcome to our YouTube channel Engineer Choice Twitter. Friend, हम लोगों ने EDC स्टार्ट किया है और EDC के सीरीज में हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिस्टर के बारे में. फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर में हम देख चुके हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है, आज हम देखेंगे ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स के बारे में. ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम ट्रांजिस्टर के टाइप्स की बात करें तो हमने दो टाइप्स के ट्रांजिस्टर पढ़े. एक होता है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें या पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें, दोनों के ही कितने टर्मिनल्स होते हैं? तीन टर्मिनल्स होते हैं. ठीक है, और तीन टर्मिनल्स कौन से होते हैं? एक होता है हमारा इमीटर टर्मिनल, दूसरा होता है हमारा बेस टर्मिनल और तीसरा होता है हमारा कलेक्टर टर्मिनल. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं तीनों टर्मिनल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहले मैं आपको ये तीनों ही टर्मिनल एक बेसिक डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एनपीएन ट्रांजिस्टर का डायग्राम. ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा एन, ये होगा हमारा पी और ये होगा हमारा एन. ठीक है, ये कौन सी रीजन हो जाएगी हमारी? इमीटर रीजन. ठीक है, ये हो जाएगी हमारी बेस रीजन और ये हो जाएगी हमारी कलेक्टर रीजन. ठीक है, तो जो इमीटर रीजन से कनेक्टेड टर्मिनल होगा वो क्या होगा हमारा? इमीटर टर्मिनल. इमीटर टर्मिनल. ठीक है, बेस रीजन से कनेक्टेड टर्मिनल क्या हो जाएगा हमारा? बेस टर्मिनल. बेस टर्मिनल. और जो कलेक्टर रीजन है उससे कनेक्टेड टर्मिनल क्या हो जाएगा हमारा? कलेक्टर टर्मिनल. ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसमें दो जंक्शन भी फॉर्म होते हैं. एक होता है हमारा क्या? इमीटर बेस जंक्शन. बेस जंक्शन. ठीक है, और दूसरा होता है हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन. कलेक्टर बेस जंक्शन. ठीक है, तो फ्रेंड्स जो इमीटर रीजन और बेस रीजन के बीच में बनता है वो होता है हमारा इमीटर बेस जंक्शन, और जो कलेक्टर रीजन और बेस रीजन के बीच बनता है वो होता है हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन. ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो एक ट्रांजिस्टर के अंदर होती है. ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स को डिटेल में, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इमीटर टर्मिनल से. ठीक है, तो जो हमारा इमीटर टर्मिनल होता है ये क्या होता है? हमारा फर्स्ट टर्मिनल होता है. फर्स्ट टर्मिनल होता है दोनों ही टाइप के ट्रांजिस्टर के लिए, दैट मीन एनपीएन के लिए और पीएनपी पीएनपी के लिए. ठीक है, दोनों ही ट्रांजिस्टर के लिए ये हमारा कौन सा टर्मिनल होता है? फर्स्ट टर्मिनल होता है. ठीक है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करना. कौन से चार्ज कैरियर्स को? मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को. मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करना इमीटर का मेन फंक्शन होता है. ठीक है, ये चीज मैंने लिखी भी है तो आपको और अच्छे से इसको समझ करने आएगी. क्या लिखा हुआ है? इमीटर इज अ फर्स्ट टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू सप्लाई चार्ज कैरियर और इमिट चार्ज कैरियर्स टू द बेस टर्मिनल. दैट मीन्स ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को बेस टर्मिनल तक सप्लाई करता है, या यू कहें कि इमिट करता है चार्ज कैरियर्स को कहां तक? बेस टर्मिनल तक. ठीक है फ्रेंड्स, अब चूंकि जो हमारा इमीटर टर्मिनल है वो चार्ज कैरियर्स को सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा जंक्शन फॉर्म हो रहा है, कौन सा जंक्शन? इमीटर बेस जंक्शन, जो कि कहां बनता है? इमीटर रीजन और बेस रीजन के बीच में. ठीक है, जो हमारा इमीटर बेस जंक्शन बनता है उसको हम फॉरवर्ड बायस रखते हैं. ठीक है, ये लिखी भी है एक लाइन. ड्यू टू सप्लाई ऑफ चार्ज कैरियर इमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज केप्ट फॉरवर्ड बायस. ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारा इमीटर टर्मिनल होता है वो किससे कनेक्टेड है? हमारा इमीटर रीजन से. तो जो इमीटर रीजन होती है वो कैसी होती है? हैवली डोप्ड होती है. चाहे फिर वो हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें या एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें, दोनों के ही लिए ही इमीटर रीजन हमारी हैवली डोप्ड होती है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इमीटर की लेंथ की बात करें, दैट मीन्स इमीटर रीजन की लेंथ की बात करें,
तो जो इमीटर रीजन की लेंथ होती है वो हमारी कलेक्टर रीजन और बेस रीजन दोनों के ही बीच में होती है। ठीक है, दैट मीन्स या तो हमारी कलेक्टर रीजन की लेंथ ज्यादा होगी या हमारी बेस रीजन की लेंथ ज्यादा होगी, बट जो इमीटर रीजन है उसकी लेंथ बेस रीजन और कलेक्टर रीजन के बीच की होगी। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनल है हमारा बेस टर्मिनल। ठीक है, अगर हम बेस टर्मिनल की बात करें तो ये कौन सा टर्मिनल होता है हमारा? सेकेंड टर्मिनल होता है दोनों ही टाइप के ट्रांजिस्टर के लिए, दैट मीन एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए और पीएनपी ट्रांजिस्टर दोनों के लिए ही ये कौन सा टर्मिनल होता है? सेकेंड टर्मिनल होता है। ठीक है, अब जो बेस रीजन होती है या बेस टर्मिनल होता है वो किससे कनेक्टेड रहता है? बेस रीजन से। तो जो बेस रीजन होती है वो किस चीज से फॉर्म होती है? एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर से, दैट मीन्स पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से ये रीजन फॉर्म होती है और ये बहुत ही थिन लेयर होती है। किसकी? पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की। दैट मीन्स अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो इसमें किससे फॉर्म होगी? पी टाइप मटेरियल से, और अगर पीएनपी की बात करेंगे तो इसमें किससे फॉर्म होगी? एन टाइप मटेरियल से। ठीक है, एक लाइन मैंने लिखी भी है, इट इज वेरी थिन लेयर ऑफ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर विच इज प्लेस्ड बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर। क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये कौन सी हो जाएगी? हमारी इमीटर रीजन होगी, और ये कौन सी हो जाएगी? हमारी कलेक्टर रीजन होगी। तो डेट मीन्स जो हमारी बेस रीजन है वो इमीटर और कलेक्टर रीजन के बीच की होती है। ठीक है, अब जो हमारा बेस टर्मिनल है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है चार्ज कैरियर्स को क्या करना? पास करना। ठीक है, जो चार्ज कैरियर्स कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास? इमीटर टर्मिनल से आ रहे हैं। उन चार्ज कैरियर्स को कहाँ पास कर देना? कलेक्टर टर्मिनल के पास। ठीक है, दैट मीन्स इट्स मेन फंक्शन इज टू पास द चार्ज कैरियर्स फ्रॉम इमीटर टू कलेक्टर। ठीक है, अब डोपिंग की बात करें तो जो हमारी बेस रीजन होती है वो कैसी होती है? लाइटली डोप्ड रीजन होती है। ठीक है, और उसकी जो लेंथ होती है वो स्मॉल होती है किससे? अदर टू टर्मिनल से, दैट मीन्स इसकी लेंथ इमीटर टर्मिनल से और कलेक्टर टर्मिनल से दोनों से ही कम होती है। ठीक है, और इस कैसी रीजन होती है? लाइटली डोप्ड रीजन होती है। ठीक है, अगर हम बेस टर्मिनल की बात करें तो दोनों ही जो हमारे ट्रांजिस्टर है उनमें ये बहुत ही थिन लेयर है, या तो पी टाइप मटेरियल की या फिर एन टाइप मटेरियल की। दैट मीन्स इसमें कुछ हमारे क्या होते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें कुछ करंट फ्लो होता है। ठीक है, मतलब कुछ करंट फ्लो होता है इसमें, तो जो करंट होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है रेंज में। ठीक है, अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये कैसे होता है? माइक्रो एम्पियर्स में होता है। ठीक है, दैट मीन्स ये एक पॉइंट लिखा भी है कि इट कंस्टिट्यूट वेरी स्मॉल रेंज ऑफ करंट, दैट इज माइक्रो एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनल है हमारा कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, पहले मैं एक डायग्राम कंप्लीट कर दूं। ये हमारा है एन पी एन, ये होगी हमारी इमीटर रीजन। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी बेस रीजन, ये हो जाएगी हमारी कलेक्टर रीजन। ठीक है, ये हमारा कौन सा टर्मिनल है? इमीटर टर्मिनल। ये है हमारा बेस टर्मिनल। ठीक है, और ये है हमारा कौन सा? कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, ये कौन सा जंक्शन था हमारा? इमीटर बेस जंक्शन। ठीक है, ये था हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कौन से टर्मिनल की? कलेक्टर टर्मिनल की। तो फ्रेंड्स, जो हमारा कलेक्टर टर्मिनल होता है ये कौन सा टर्मिनल होता है? थर्ड टर्मिनल। किसका? एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का। ठीक है, मतलब दोनों ही ट्रांजिस्टर के लिए ये कौन सा टर्मिनल है हमारा? थर्ड टर्मिनल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कलेक्टर टर्मिनल
के वर्क की बात करें, दैट मीन्स इसके फंक्शन की बात करें, तो जो कलेक्टर टर्मिनल होता है वो सिंपली क्या करता है, चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, सिंपल इसका वर्क होता है, जो चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं हमारे पास उनको कलेक्ट करना। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि इट्स मेन फंक्शन टू कलेक्ट ऑल चार्ज कैरियर्स विच आर कमिंग फ्रॉम इमीटर बाय अ बेस टर्मिनल। दैट मीन्स जो इमीटर टर्मिनल था उसने चार्ज कैरियर्स को सप्लाई किया, कहां तक, बेस टर्मिनल तक। ठीक है, कहां से इमीटर ने सप्लाई किया, कहां तक, बेस टर्मिनल तक, और बेस टर्मिनल ने कहां पास कर दिया, हमारे कलेक्टर टर्मिनल तक। ठीक है, तो जो हमारा कलेक्टर टर्मिनल है वो क्या करेगा, जो चार्ज कैरियर्स आए हैं उनको कलेक्ट करेगा। ठीक है, इसकी डोपिंग की बात करें तो जो हमारी कलेक्टर रीजन होती है वो कैसी डोप्ड होती है, मॉडरेटली डोप्ड होती है। ठीक है, इमीटर रीजन हमारी हैवली डोप्ड है, बेस रीजन हमारी लाइटली डोप्ड है, और जो हमारी कलेक्टर रीजन है वो कैसी डोप्ड है, मॉडरेटली डोप्ड है। ठीक है, और कलेक्टर रीजन की लेंथ की बात करें अगर हम, तो इसकी जो लेंथ होती है वो दोनों ही टर्मिनल से लार्ज होती है। दैट मीन्स हमारे इमीटर टर्मिनल से, इमीटर टर्मिनल से और बेस टर्मिनल से, दोनों से ही कैसी होती है, लार्ज होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डायग्राम से दिखाने की कोशिश करूंगी, क्या था हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का डायग्राम था। ठीक है, तो जो हमारे इमीटर है वो कैसा है हमारा, फॉर एग्जाम्पल दैट मीन्स इमीटर जो है हमारा, इमीटर रीजन वो कैसी है, हैवली डोप्ड है, हैवली डोप्ड है। ठीक है, हैवली डोप्ड है। जो हमारी बेस रीजन है वो कैसी है हमारी, लाइटली डोप्ड है, लाइटली डोप। ठीक है, और जो हमारी कलेक्टर रीजन है वो कैसी है, वो हमारी मॉडरेटली डोप्ड है, मॉडरेटली डोप। ठीक है, लेंथ वो तो आपको दिख ही रही होगी, जो हमारी कलेक्टर रीजन है उसकी लेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद किसकी है हमारी, इमीटर टर्मिनल की लेंथ है, और देन फिर किसकी है, सॉरी इमीटर रीजन की लेंथ है, उसके बाद हमारी बेस रीजन की लेंथ है। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट डिस्कस भी करे हैं कि जो इमीटर रीजन होती है उसकी लेंथ बेस रीजन और कलेक्टर रीजन के बीच की होती है, बेस रीजन जो होती है उसकी लेंथ हमारी इमीटर रीजन और कलेक्टर रीजन दोनों से ही छोटी होती है, और जो हमारी कलेक्टर रीजन है उसकी लेंथ बेस रीजन और इमीटर रीजन से बड़ी रहती है। ठीक है फ्रेंड, तो टर्मिनल्स, ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स के बारे में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।